नमस्कार, आप सभी का स्वागत इकोनॉमी टुडे में। मैं हूं मुकुल शर्मा। इकोनॉमी टुडे में आपको हम बताएंगे कारोबार जगत में क्या कुछ खास है और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो देश में रोजगार के अवसर हैं उनमें किस तरीके से इजाफा लगातार हो रहा है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी पहलों से मिला रोजगार को बढ़ावा। वर्ष 2017-18 और 2021-2022 में 8 करोड़ से अधिक मिले रोजगार के अवसर। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने साझा की जानकारी। मजबूत और समावेशी रोजगार बाजार बनाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 4 कंपनियों को दी आईपीओ लाने की मंजूरी। इसमें एक्मेंस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीगल इंडिया और ओरियन टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन कंपनियों ने फरवरी में सेबी के पास अपने आईपीओ के डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए थे। हालांकि मार्केट रेगुलेटर ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एसके फाइनेंस के 2200 करोड़ रुपए के आईपीओ को रोक दिया। औद्योगिक संबंधन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के मुताबिक सरकार एसी और एलईडी लाइट निर्माण के लिए फिर पीएलआई स्कीम के तहत आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से 90 दिन के लिए एक बार फिर शुरू करने जा रही है। इसका मकसद संभावित निवेशकों को योजना का लाभ लेने के लिए एक और अवसर मुहैया कराना है। ये तीसरा मौका है जब उद्योग विभाग ने आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू की। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो जाना आपने आज की टॉप लाइंस, यानी क्या कुछ खास रहेगा। लेकिन आइए इकोनॉमी टुडे में सबसे पहले बात करते हैं एक और बेहतर खबर की। दरअसल खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 14.10% अधिक क्षेत्र पर की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 8 जुलाई तक के जो आंकड़े हैं वो जारी किए हैं। इसके अनुसार देश में 378 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर फसलों की बुआई का काम पूरा हो चुका है। दलहन फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 50% अधिक क्षेत्र पर की गई है। इस साल अगर बात की जाए तो करीब 36.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर दलहन की बुआई की गई है। इसके साथ ही अगर धान की खेती की हम बात करें तो ये करीब 59.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर की गई है। वहीं श्रीअन्न की बुआई इस साल 58.48% क्षेत्रफल पर हुई है। तिलहन फसलों की बुआई इस वर्ष पिछले एक वर्ष के मुकाबले काफ़ी अधिक क्षेत्र पर की गई है। पिछले साल 51.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर तिलहन फसलों की बुआई की गई थी, जबकि इस साल 80.31 लाख हेक्टेयर पर इसकी बुआई हुई है। वहीं गन्ने की खेती की अगर बात की जाए तो आपको बता दें ये करीब 56.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर हुई है। वहीं जूट की बुआई 5.63 लाख हेक्टेयर, जबकि कपास की बुआई 80.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर हुई है। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने गलत लोन देने और तौर तरीकों के कारण 2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी स्टार, फिनसर्व इंडिया और पॉलिटिक्स इंडिया लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि हैदराबाद स्थित स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड ने अपने डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशन में फाइनेंशियल सर्विसेज की आउटसोर्सिंग में कोड ऑफ कंडक्ट पर आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, जिसमें उसने अपने मुख्य निर्णय लेने वाले फंक्शन जैसे क्रेडिट अप्रेजल, लोन सैंक्शनिंग के साथ साथ केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स किया। वहीं भाई मुख्यालय में वाली पॉलिटिक्स इंडिया लिमिटेड को लेकर आरबीआई ने कहा कि कंपनी ने क्लाइंट सोर्सिंग, केवाईसी वेरिफिकेशन, लोन डिस्बर्सल, लोन रिकवरी पर आरबीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं कारोबार जगत पर भी। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की क्या स्थिति इसमें नजर आ रही है। आप देख सकते हैं 36 अंकों की बढ़त के साथ ही 24,416.50 पे नजर आया। और गिफ्ट निफ्टी के बाद नजर डालते हैं जल्दी से सेंसेक्स की शुरुआती क्या स्थिति रही है। आप देख सकते हैं 103 अंकों की बढ़त यहाँ भी नजर आ रही है, जिसके बाद 80,063.79 पर सेंसेक्स शुरुआती तौर पर कारोबार करता नजर आया। जबकि निफ्टी 50 की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 42 अंकों की तेजी, जिसके बाद ये 24,363 पर फिलहाल कारोबार करता नजर आया है। आज के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं आज के टॉप 5 गेनर्स, जहाँ पे हरे निशान के साथ कारोबार होता नजर आया। मारुति, M&M, सिप्ला, ब्रिटेनिया और SBIN। इसके साथ ही लॉसर्स की अगर आज के हम बात करें, जहां पे लाल निशान के साथ फिलहाल कारोबार होता नजर आया है, तो आप देख सकते हैं BPCL, श्रीराम फिन, टेकहिम, एक्सिस बैंक और ONGC। और अब जान लेते हैं ग्लोबल मार्केट का भी हाल। उससे पहले लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से अगर बात की जाए देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, और लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
देखिए इस बीच अगर ग्लोबल मार्केट की, अगर एशियन मार्केट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं निकाई 225 और उसके साथ साथ उसमें तेज़ी, जबकि हैंगसेंग में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली। कॉस्पी में भी एक मामूली जो तेज़ी है वो फिलहाल बनी हुई है। इसके साथ ही ब्रेंट क्रूड की स्थिति आप देख सकते हैं $85.54 प्रति बैरल इसका भाव दर्ज किया गया। और फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, चलो। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब आइए बात करेंगे आज के फोकस की। और आइए आज के फोकस में बात करते हैं देश में बढ़ते रोजगार को लेकर। जी हाँ, किस तरीके से देश में जो रोजगार के अवसर हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि खासतौर से अगर हम बात करें जो RBI की तरफ से भी जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं उनको लेकर किस तरह की परिस्थितियाँ हैं जो नज़र आती हैं, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या जानकारी है जो दी है फिलहाल। क्योंकि जब देश में रोजगार की संभावनाओं की बात होती है, जो अवसर हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं उनकी अगर बात की जाए, उस पर आइए आपको यहाँ जानकारी देंगे किस तरीके से जो रोजगार के अवसर हैं वो फिलहाल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था अलग अलग तरह की रिपोर्ट आई थी, लेकिन फिलहाल रोजगार के जो बढ़ते अवसर हैं 2023 और 24 की अगर बात की जाए तो भारत में 46.7 मिलियन नौकरियाँ बढ़ी हैं। ये RBI के हवाले से जो जानकारी है वो दी गई है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने ये जानकारी दी कि किस तरीके से देखिए जो इजाफा है वो लगातार हो रहा है। जब हम बात कर रहे हैं 2023 और 24 में करीब 6% की रोजगार जो वृद्धि दर है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ लगातार आंकड़े भी आपको हम बता रहे हैं। अगर बात की जाए किस तरीके से जो वृद्धि दर है उसमें इजाफा होता है, क्योंकि लगातार जब आंकड़ों की हम बात करते हैं, हमसे पहले इस तरह की कई रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि शायद जो रोज़गार है वो अनुमान के मुताबिक नहीं है और निजी सर्वेक्षणों की संख्या से कहीं ज़्यादा जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो सीधे तौर पर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे जो रोज़गार है वो देश में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें 2023 और 24 में तो भारत का कुल रोज़गार करीब 643 मिलियन ये दर्ज किया गया था। ये कुल रोज़गार का आंकड़ा है कि क्या स्थिति रही थी कुल रोज़गार की। इसके अलावा अगर बात की जाए वित्त वर्ष 2022 और 23 की तो उसमें कुल रोज़गार देखिए 596.7 मिलियन दर्ज किया गया था। ये 2022 और 23 आंकड़ा है। इससे पहले आपने 23-24 का भी आंकड़ा देखा। RBI खासतौर से देश की उत्पादकता रोज़गार के स्तर का अनुमान लगाता है और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि जो आंकड़े हैं वो लगातार निकलते हुए हमें यहाँ नज़र आते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है अनुमान के लिए। सरकार के राष्ट्रीय और खातों और श्रम मंत्रालय के जो डेटा है उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये जो डेटा है इसकी विश्वसनीयता की अगर बात की जाए ये काफ़ी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अब से पहले इसी का ख्याल शायद नहीं रखा गया था और अलग अलग जो रिपोर्ट्स थी वो हमारे सामने आई थी, क्योंकि जो रोज़गार की जब हम बात कर रहे हैं उसको लेकर किस तरह की स्थिति लगातार बनी रहती है। और रोज़गार की स्थिति पर एक जो रिपोर्ट जारी की गई थी सिटी ग्रुप द्वारा, जिसमें अलग अलग जो बातें हैं वो कही गई थी और ख़ासतौर से इन बातों की अगर बात की जाए तो उसको लेकर सरकार की तरफ से भी खंडन किया गया है, क्योंकि श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने रोज़गार पर ये बड़ी जानकारी दी। लेकिन उससे पहले काफ़ी महत्वपूर्ण कि जो सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट आई थी जो वहाँ पे बताया गया था उसको एक तरीके से ना सिर्फ झूठ बल्कि भ्रमक बताया गया है। और उसका आधार क्या है वो आपको हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि उसका आधार क्या है, कैसे भारत में रोज़गार के जो अवसर हैं बढ़ते नज़र आ रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी पहलों से जो रोज़गार है उसको बढ़ावा मिला है, कौन सी वो पहल हैं इसके बारे में विस्तार से आपको हम बताएंगे। फिलहाल सरकार मजबूत और समावेशी रोजगार बाजार बनाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आती है। सरकार लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और उन्हीं प्रयासों का नतीजा जो है वो आंकड़ों में तब्दील होता हुआ हमें नजर आता है, जो कि काफ़ी सकारात्मक है देश के लिए। लेकिन फिर भी सिटी ग्रुप द्वारा जो पहले जानकारी दी गई वो उसको एक तरीके से झूठा माना जा रहा है। वर्ष 2017-18 से लेके 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो करीब 8 करोड़ से अधिक रोजगार के जो अवसर हैं वो मिले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 8 करोड़ से अधिक नए जो अवसर हैं उनका सृजन हुआ है 2017-18 से, और 21-22 की अगर बात की जाए
लेकिन इस बीच आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक के जो KLMS डेटा है उससे ये जानकारी निकलकर आई है जो कि महत्वपूर्ण है रोजगार की स्थिति को बताने के लिए। प्रतिवर्ष औसतन 2 करोड़ से अधिक रोजगार के जो अवसर हैं वो अगर देखा जाए तो देश में मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रोजगार को लेकर जो अवसर बढ़ने की हम बात कर रहे हैं प्रतिवर्ष का ये आंकड़ा है औसतन अगर देखा जाए। वहीं जो जब मानकों की हम बात करते हैं तो PLFS की बात करें तो रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में काफ़ी सुधार जो होता हुआ देखा जा रहा है और यही मानक हैं जिनको शायद पहले सिटी ग्रुप द्वारा नज़रअंदाज किया गया था, जिसमें श्रम बल की अगर भागीदारी की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2017-18 में 49.8 से इसका इजाफा हमें देखने को मिला है। करीब इसमें अगर आप देखें तो 2022-23 में 57.9% ये हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इजाफा है वो होता हुआ यहाँ हमें नज़र आ रहा है श्रम बल की अगर बात की जाए। इसके साथ साथ बेरोजगारी दर जो कि एक महत्वपूर्ण मानक रहता है 2017-18 से 6% से घटकर 2022-23 में 3.2% के स्तर निचले स्तर पर ये आ गई, यानी बेरोजगारी दर में कमी आई है। लेकिन जो जानकारी दी गई वो अलग थी। इसके साथ साथ EPFO डेटा की भी अगर बात की जाए तो उसके अनुसार भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं वर्ष 2018-19 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में दोगुने से अधिक जो सब्सक्राइबर हैं वो जुड़े हैं अगर हम EPFO की बात करते हैं, इससे जो जुड़ाव देखा गया है। और क्या उनकी संख्या रही वर्ष 2023-24 में करीब 1.3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर EPFO में शामिल हुए हैं। ये आंकड़ा 2023-24 का है और इसको अगर हम देखें तो जैसा हमने आपको बताया कि ये वर्ष 2018-19 के दौरान दुगना था क्योंकि उस दौरान EPFO में करीब 61.12 लाख सब्सक्राइबर ही शामिल हो पाए थे। और पिछले करीब 6.5 वर्षों की अगर हम बात करें यानी सितंबर 2017 से मार्च 2024 तक करीब 6.2 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर जो हैं वो EPFO पोर्टल से जुड़े हैं, जो नए ग्राहक हैं वो इससे जुड़े हैं 6.5 साल का। और इसके साथ ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है NPS की अगर बात की जाए राष्ट्रीय पेंशन कार्ड की हम बात करें तो इसके तहत 2023-24 के दौरान करीब 7.75 लाख से अधिक नए सब्सक्राइबर जो हैं वो इससे जुड़े हैं जो हमारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। जबकि 2022-23 के दौरान सरकारी क्षेत्र के तहत 5.94 लाख नए ग्राहक NPS में शामिल हुए थे। तो ये आंकड़े हैं जो कि अपने आप में बताते हैं कि कैसे रोजगार सृजन हो रहा है और भारत में रोजगार बाजार के भविष्य की संभावनाएं अत्यधिक उत्साहजनक नज़र आती हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा था अलग अलग जो रिपोर्ट्स एक तरीके से दी गई थी और उनको अब हम मान के चल रहे हैं क्योंकि जब सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है तो कैसे वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं अपने आप में झूठी साबित हो रही हैं। इसी पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अमित निर्मल जी जुड़े हैं, उप महानिदेशक हैं श्रम रोजगार मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत आपका अमित जी। फिलहाल सबसे पहले अमित जी जानना चाहेंगे आपसे अगर बात की जाए क्योंकि जिस तरीके से पहले जानकारी दी गई सिटी ग्रुप द्वारा कहीं ना कहीं मानकों का शायद ख्याल नहीं रखा गया क्योंकि जो आंकड़े हैं ये तो कुछ और ही गवाही दे रहे हैं कि रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं देश में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस मानकों किस डेफिनेशन के तहत डेटा कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि PLFS जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये हर साल करता है जी। ये जो मानक यूज करता है ये जो डेफिनेशन यूज करता है ये जो मेथोडोलॉजी यूज करता है जी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है जिसको कि पूरे विश्व में मान्यता है। ILO भी उसी डेटा को यूज करता है। तो अगर आप उस डेटा को यूज न करके किसी और प्राइवेट सर्वे के डेटा को यूज करें जिसकी डेफिनेशन अलग है जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नहीं है तो उस केस में आपके डेटा आपका रिजल्ट कुछ और आएगा जो हो सकता है सही पिक्चर ना प्रेजेंट करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है जो भारत सरकार के विभिन्न सर्वे और डेटाबेस से आ रहा है जी। उन डेटा को यूज करें ताकि हमें सही और करेक्ट पिक्चर एम्प्लॉयमेंट की पता चल सके इस कंट्री में जी। बिल्कुल अभी जी, और खासतौर से कुछ मानकों का जो डेटा हमने यहाँ दिया EPFO की बात की जाए NPS की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगातार इसमें जो सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं जो नए ग्राहक जुड़ते जा रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी हैं बताने के लिए कि नए अवसर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जो मंत्रालय द्वारा जो या सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई है 2017-18 से लेकर 21-22 तक की भी अगर बात की जाए तो करीब 8 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार के अवसर आए हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि सभी क्षेत्र में इवन गवर्नमेंट क्षेत्र में भी जो वैकेंसीज बढ़ने की रफ्तार बढ़ी है। पिछले साल जहां 5 लाख जॉब्स दिए गए थे 23-24 में वही बढ़ के 7.5 लाख हो गए तो 30% की ग्रोथ वहां हुई है।
इसी तरीके से ईपीएफओ जो कि फॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट देखता है, तो ईपीएफओ के अंदर भी पिछले साल 1.3 करोड़ लोग नए जुड़े हैं, जो कि पिछले 17-18 के कंपैरिजन में डबल है, और पिछले 6.5 साल में 6.2 करोड़ लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं। तो ईपीएफओ भी हमें दिखा रहा है कि जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसमें रोजगार बढ़ा है। इसी तरीके से अगर आप एनपीएस का तो आपने देख ही लिया है, और डिफरेंट डेटा सोर्सेज, और आरबीआई का डेटा सोर्स जो है क्लेम्स डेटा, जो कि बेसिकली पीएलएफएस के डेटा के ऊपर नंबर को एस्टिमेट करता है जी। वो हमें ये दिखाता है कि 17-18 से 21-22 के बीच में 8 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए, जो कि पर ईयर 2 करोड़ से ज्यादा है जी। और कल शाम को ही आरबीआई ने अपना नया डेटा रिलीज किया है, जो कि 22-23 का डेटा भी रिलीज किया जी। और अगर वो देखें तो और अच्छी प्रगति हुई है रोजगार के क्षेत्र में, और 22-23 को डेटा को भी अगर साथ में लें तो 17-18 से करीबन 12 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है कंट्री के अंदर जी। तो रोजगार के क्षेत्र में सभी क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है, और इवन अगर आप सेक्टर वाइज भी देखें तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ नजर आई है, जहां 4 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा हुए हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ट्रेड में 1.6 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। तो सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट रोजगार के में काफी अच्छे अवसर क्रिएट हुए हैं जी। बिल्कुल अमित जी, और अभी हाल ही में हमने देखा था लगातार जो पीएमआई है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आता है, जो कि इस बात को भी दर्शाता है कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हमें आवश्यकता है स्किल्ड लेबर की भी, और ऐसे में यानी हम मान सकते हैं कि जो फिलहाल एक ट्रेंड अभी नजर आ रहा है कि रोजगार के अवसर और लगातार बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में और इसमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा, जो अभी आरबीआई की रिपोर्ट का भी आपने हवाला दिया। बिल्कुल जरूर, इसमें सभी क्षेत्रों में इजाफा नजर आएगा, और अभी जो लेटेस्ट जो नए क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी, उसके अंदर काफी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। फिर हमारा प्लेटफॉर्म वर्क इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसके अंदर जहाँ तक नीति आयोग ने एस्टिमेट किया है कि ये बढ़ के 2.3 करोड़ तक हो जाएगा 29-30 तक जी। तो इस तरीके से अगर आप देखें, और खासकर गवर्नमेंट के जो प्रयास चल रहे हैं सभी क्षेत्रों में रोजगार जनरेट करने का, तो सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं जी। बिल्कुल, यानी मान सकते हैं जो सरकार की अलग अलग पहले हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए वो पूरी तरीके से कारगर होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और आपने जहां तक बात की पीएलआई की, तो पीएलआई के कारण मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी इम्प्रूवमेंट है, और ये आरबीआई का जो कल डेटा रिलीज हुआ है वही दिखा रहा है कि पिछले 5 साल में 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी क्रिएट हुई जी। बिल्कुल, और यही जो रफ्तार है अमित जी, मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में भी जारी रहेगी, कितना फायदा इसके जरिए जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है रोजगार सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए रोजगार एम्प्लॉयमेंट है और इम्पोर्टेंट है। और अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो आदमी का लाइवलीहुड इम्प्रूव होगा, जिससे कि उसके खर्च करने की कैपेबिलिटी इम्प्रूव होगी और इकोनॉमी अपने आप इम्प्रूव होगी जी। तो ये इकोनॉमी और रोजगार दोनों एक साथ इंटर रिलेटेड है जी। बिल्कुल, लेकिन पहले जिस तरीके से एक संस्था द्वारा ये जानकारी दी गई कि रोजगार के जो अवसर हैं वो शायद नहीं है, उसके बाद हमने देखा है जो आंकड़े भी जारी किए गए, क्या कुछ कार्रवाई इस तरह की जब झूठी खबरें आती हैं या भ्रामक खबरें आती हैं उन पर अब आगे क्या उन पर कुछ किसी तरह की जो नकेल है वो कसेगी अब? देखिए, इसमें हम समय समय पर अपनी प्रेस रिलीज जारी करते रहते हैं और लोगों को ये बताते रहते हैं कि इस तरीके के जो आंकड़े निकलते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं है और वो किसी भी तरीके के भ्रामक आंकड़े निकालते रहते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से यूज करें, उसको पहले पढ़ें, डेफिनेशन देखें किस तरीके से डेटा कलेक्ट हो रहा है। अब आप देखिए, अगर हमारे देश में देखा जाए तो मेजर जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में है, लेकिन अगर आप सर्वे अर्बन एरिया में ज्यादा करेंगे तो आपका नेचुरली अर्बन बायसनेस आएगी उसके अंदर और रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। तो किसी भी आंकड़ों को काम में लेने से पहले, यूज करने से पहले, ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके पीछे डेफिनेशन क्या है, उसके पीछे मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो यानी जानकारी दी जाए लेकिन मानकों का भी ख्याल रखा जाए और उन्हीं मानकों के अनुसार ही हम मान सकते हैं जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है वो निकल कर आ सकती है। और सच्चाई ये है कि देश में लगातार रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और आइए अब यहां नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का कहना है कि सरकार एसी और एलईडी लाइट जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई स्कीम के तहत आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से 90 दिन के लिए एक बार फिर शुरू करने जा रही है। इच्छुक कंपनियां 15 जुलाई से 12 अक्टूबर तक एसी और एलईडी निर्माण के लिए आवेदन कर सकेंगी। पूर्व में किए गए आवेदन के तहत एसी और एलईडी लाइट के निर्माण के लिए 66 कंपनियों का चयन किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले तीन महीनों अप्रैल से जून के दौरान जीवन बीमा कंपनियों के पहले साल के प्रीमियम में 2 अंकों की मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की बीमा कंपनियों का कारोबार बढ़ा है। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में न्यू बिजनेस प्रीमियम 22.91% बढ़कर करीब 90,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में करीब 73,004 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में भारतीय जीवन बीमा निगम ने 28.11% वृद्धि दर्ज की है और इसका प्रीमियम 57,440 करोड़ रुपए रहा है। अग्रणी विमान कंपनी स्पाइसजेट का आर्थिक संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। कंपनी करीब 2.5 साल से कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा जमा नहीं करा पा रही है। ईपीएफओ के मुताबिक स्पाइसजेट ने आखिरी बार जनवरी 2022 में अपने 11,581 कर्मचारियों का पीएफ भरा था। इसके बाद से वो लगातार 2.5 साल से पीएफ भरने से चूक रही है। इस मामले को लेकर ईपीएफओ की ओर से एयरलाइन को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक एयरलाइन ने कोई जवाब नहीं दिया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 4 कंपनियों की आईपीओ को मंजूरी दी है। इन कंपनियों में आज इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कारोबार जगत की तमाम खबरों के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।